हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग को कराने वाली हूँ मेरा किचन टूर। मैंने कुछ दिनों पहले ही अमेज़न से कुछ शॉपिंग की थी, लेकिन कुछ कारणवश मैं आप लोगों से वो शेयर नहीं कर पाई। आज मैं आप लोग को वो भी दिखाऊंगी और कुछ DIYs मैंने बनाए अपने किचन को डेकोरेट करने के लिए, और साथ में ही मैं किचन के बाद अपने हॉल का भी थोड़ा मेकओवर करने वाली हूँ। उसके लिए मैंने कुछ DIYs भी बनाए हैं, और कुछ मैंने पुराने मेरे DIYs हैं उनको मैंने रिसाइकल किया है, वो भी सब मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। वैसे तो मैं ज़्यादातर लोकल शॉपिंग करना ज़्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि लोकल मार्केट में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कलर चॉइस भी आप अच्छे से कर सकते हैं। और कई बार तो मैं अपने DIY से ही घर को सजाना पसंद करती हूँ, लेकिन पिछले 2 सालों से ऑनलाइन शॉपिंग छोड़ के और कोई ऑप्शन नहीं बचा हमारे पास। लेकिन ऑनलाइन शॉपिंग का एक डिमेरिट्स ये होता है कि कई बार हम फ़ोटो देख के लालच में आ जाते हैं, जबकि हमें समझ में नहीं आता है वो हमारे घर में आने के बाद वो सामान फिट आएगा या नहीं आएगा। और कई बार हम लेडीज़ों का मन भरता नहीं है, घर में जो सामान होता है फिर दोबारा वही मंगा लेते हैं, देख के लालच आ जाता है। तो ऐसे ही कुछ गलतियाँ मेरे से भी हुई है, जो कुछ सामान तो मुझे पसंद आया, कुछ पसंद भी नहीं आया, और जो कुछ मेरे शायद कुछ काम के भी नहीं है। और फिर हम लेडीज़ क्या करते हैं, सामान भरते जाते हैं घर में। अभी आप यकीन नहीं करेंगे, पिछले 4-5 दिनों से मैंने इतने सामान प्लास्टिक के डब्बे वगैरह डिस्कार्ड किए, लेकिन फिर भी मेरा किचन देखने के बाद अभी भी भरा भरा हुआ ही लग रहा है। तो इस किचन का जो वीडियो मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी बनाऊँगी, मेरा किचन जो पहले लास्ट ईयर मैंने बनाया था बिल्कुल ही नॉन मॉडुलर किचन था, अभी थोड़ा सेमी मॉडुलर हुआ है, क्योंकि खाली सिर्फ नीचे वाले खाने को कवर करवाया, क्योंकि मैं रेंटल एकोमोडेशन में रहती हूँ और मेरे ओनर जो है वो आउट ऑफ इंडिया रहते हैं, तो इसलिए उनके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो पाता है, उनको मैं मेरा प्रॉब्लम नहीं समझा सकती हूँ। तो इसलिए थोड़ा बहुत मैंने अपने से करवाया है, क्योंकि मेरा किचन बहुत स्कैटर्ड वे में फैला हुआ रहता था। इस वजह से मैं ये वीडियो जो है काफ़ी लंबा हो रहा था, इसलिए मैंने 2 पार्ट में इसको बनाया है। तो चलिए बिना देर किए हुए शुरू करती हूँ। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले कुछ अमेज़न प्रोडक्ट्स के, जो मेरे नॉन मॉडुलर किचन देख चुके हैं आप लोग, उसमें मैंने कुछ DIYs लगाए थे कटलरी होल्डर बना के। इस बार मैंने सोचा थोड़ा किचन को चेंज करूँ, तो आप नेक्स्ट वीडियो में देख पाएंगे कि इसमें मैं क्या रख रही हूँ। तो ये जो कटलरी होल्डर है, इसका अनबॉक्सिंग करते हैं। ये 3 का सेट है, इसके साथ में एक ये इसको वॉश करने के लिए दिया हुआ है, और ये लकड़ी के ट्रे में है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी इसमें मैंने क्या रखा है, क्योंकि मैंने जैसा सोचा था ये वैसा निकला नहीं। इसमें मैंने फोटो देख के मैंने इसका बड़ा साइज सोचा था, बट ये छोटा है, ये मुझे पड़ा 569 का। तो मैं इसमें कुछ और रखूँगी, जब मैं रखूँगी तब आप लोग से शेयर करूँगी। दूसरा प्रोडक्ट जो है हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, देखते इसमें क्या है। इसमें है प्लास्टिक का एक बास्केट, ये जो है इसमें 32 एग्स हम एक साथ में रख सकते हैं। ये एक 16 का ट्रे है, अंदर एक 16 का ट्रे है, इसमें एक साथ हम 32 एग्स रख के हम फ्रीज में भी स्टोर कर सकते हैं, बाहर भी स्टोर सकते हैं। ये कुछ मुझे काम की चीज लगी। जो है मैंने ऑयल कंटेनर मंगाया था, ये खोल के देखते हैं, इस टाइप की बॉटल है।
ये है बॉटल, इसके साथ में ये इसका लिड। ये मुझे अच्छा लगा, अभी दूसरा भी खोलने के बाद मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये मेरा एक DIY है, ये पुराना मेरा एक डिकोपाज किया हुआ बॉटल था, इसको ये मैंने रिसाइकिल किया है। डिकोपाज बहुत पुराना हो गया था इसलिए मैंने उसको निकाल के इसमें वन स्ट्रोक पेंटिंग कर दिया है, एकदम सिंपल सा। इसके अंदर मैं प्लांट भी लगा सकती हूँ या तो मैं इसमें फेरी लाइट्स भी यूज़ कर सकती हूँ। ये दो मैंने प्लांटर बनाए ग्रीन वाले, और ये छोटे वाले जो है क्यूट से, ये मेरे मैंने फ्रिज होल्डर बनाया है, फ्रिज मैग्नेट। इसमें मैंने एक कप सिरप के बॉटल में बस ऐसे ही रैंडमली स्केच पेन से कुछ फूल फ्लावर्स बना दिए, और ये जो दो मैग्नेट इसमें लगा दिए हैं, और इसमें मैंने ओरिजिनल प्लांट लगाया है। दूसरा मैंने ये पाउडर के डब्बे से, खाली पाउडर के डब्बे से बनाया है। हमारे घर में एक छोटा बच्चा है जो इसे कई बार तोड़ चुका है, तो इसलिए मैंने इसमें ओरिजिनल प्लांट नहीं लगाया है। ये थोड़ा सा हिलता डुलता है फ्रिज में लगाने से, इसलिए मैंने इसमें आर्टिफिशियल लगा दिया है। तो ऐसा आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को दिखाऊंगी कि मैंने फ्रिज में कैसे लगाया है। और एक और है मेरा, ये प्लास्टिक बॉटल कोई मैंने हाफ कट करके इसमें डिकोपाज किया है, और नीचे मैंने जूट लगा दिया है, जूट थ्रेड, और ये एक लेस का टुकड़ा पड़ा हुआ था वो लगाया है। इसको एज ए प्लांटर या टिश्यू पेपर होल्डर या कटलरी होल्डर कुछ भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। ये सब मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाली हूँ, तो ज़रूर देखिएगा नेक्स्ट वीडियो। अभी मैं और इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं कर रही हूँ। अगर आज का वीडियो आप लोग को ज़रा सा भी पसंद आए तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा मेरे चैनल को। और मैं दिखा रही हूँ आप लोगों को एक छोटा सा मेरा किचन का वीडियो क्लिप भी, कि मेरा किचन अभी कैसे फैला हुआ है। पिछले कुछ दिनों से मैं बीमार थी, तो उसी को मैं रिनोवेट करके मैं आप लोग से शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में।